ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने एक किताब के हवाले से सनसनीखेज दावों को पहले पन्ने पर जगह दी है। इस किताब का नाम है स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ रॉ एंड ISI। द हिंदू ने किताब के दावों को लीड बनाया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले बैक चैनल वार्ता जारी थी। यह किताब दो विदेशी पत्रकारों ने लिखी है। किताब के हवाले से लिखा है कि पठानकोट आतंकी हमला होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ ने पाकिस्तानी ISI से बैक चैनल बातचीत की थी, जिसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि इस घटना की रणनीति उनके यहाँ नहीं बल्कि अफगानिस्तान में बनी। हालांकि इस दावे पर भारतीय अधिकारियों ने भरोसा नहीं किया और पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की। दूसरा अहम खुलासा है कि एक लोकल करप्ट पुलिस वाले की वजह से 4 आतंकवादियों को वर्दी पहनकर पठानकोट सैन्य हवाई अड्डे में घुसने का मौका मिला था। इन आतंकियों ने 7 सैनिकों की तब हत्या कर दी थी। किताब में दावा किया गया है कि पुलिस वाले का हाथ होने की जानकारी NIA को होने के बावजूद इस बात को चार्जशीट में दर्ज नहीं किया गया। इसी किताब में कुलभूषण जाधव, बुरहान वानी को लेकर कुछ खुलासे किए गए हैं, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने पेज 1 की एंकर स्टोरी बनाया है। एंकर स्टोरी का मतलब है पहले पन्ने पर बॉटम में लगी हुई एक अलग खबर। आज द इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव खबर दी है कि जल्दी सोनिया गांधी दिल्ली में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। 2 दिन पहले ही एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाकर एक मंच पर लाने की कोशिश की। जाति आधारित जनगणना को लेकर आज द हिंदू ने खबर दी है कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी अब इस मांग को लेकर सामने आए हैं। अब तक शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी के दल ये मांग उठा चुके हैं। इस खबर को हिंदू ने पेज 1 पर लिया और अंदर के पेज पर एक विश्लेषणात्मक खबर लिखी कि हाल में तेजी से उठाई जा रही जाति आधारित सेंसस की मांग जल्द ही मंडल राजनीति का तीसरा अवतार बन सकती है। अगर ऐसी जनगणना हुई तो OBC जातियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी की असली आंकड़े सामने आएंगे, जिससे OBC आरक्षण पर लगे 50% कैप को हटाने की मांग जोर पकड़ सकती है। खबर में लिखा है कि मांग करने वाले दल मान रहे हैं कि OBC का दायरा बढ़ गया है, जिसके सहारे नरेंद्र मोदी ने UP और बिहार में चुनाव जीते। अब बात करते हैं उन खबरों की जो लगभग सभी अखबारों में हैं। मानसून सत्र तय समय से 2 दिन पहले समाप्त कर देने की खबर और कल संसद में सांसदों से हुई धक्का मुक्की की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, पर हिंदी के अखबारों ने इस खबर को उस भावनात्मक एंगल पर छापा जिसमें वेंकैया नायडू संसद में भावुक हो गए और खबर पढ़ते हुए ऐसा संदेश जाता है कि विपक्ष के हो हल्ले के कारण ही संसद नहीं चल पाई और तय समय से पहले इसे समाप्त कर दिया गया। जबकि अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने पक्ष और विपक्ष की कमियों को विस्तृत रूप से रखकर संतुलित खबर दी है और बताया है कि इतिहास में हाल के वर्षों में मानसून सत्र और संसद सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी घटी है। जैसे इस सेशन में मात्र 22% ही काम हुआ। पेगासस जासूसी मामले, किसान आंदोलन, महंगाई के मुद्दों पर बात करने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था, जिस पर केंद्र सरकार तैयार नहीं थी। इसको लेकर मानसून सत्र की शुरुआत से ही गतिरोध चल रहा था। इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने करीब 2 सप्ताह पहले खबर दी थी कि सरकार मानसून सत्र का जल्दी समापन कर सकती है और आखिर में यही हुआ। इस खबर को अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स ने पेज 1 की लीड लगाया है, जबकि हिंदुस्तान अखबार ने महिला सांसदों से दुर्व्यवहार के एंगल पर खबर रखते हुए पेज 1 पर टॉप बॉक्स लगाया है। ज्यादातर हिंदी अखबारों ने आज केजरीवाल और आपके 11 विधायकों के मारपीट मामलों में आरोप मुक्त होने की खबर को लीड बनाया, जिसमें हिंदुस्तान, NBT, टाइम्स ऑफ इंडिया शामिल हैं। ये मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का है।
मुख्य सचिव ने तब आरोप लगाया था कि केजरीवाल की मौजूदगी में आप विधायकों ने उन्हें पीटा। द हिंदू ने आज खबर दी है कि ऑक्सीजन मामले पर एक दिन पहले केंद्र पर डाटा न मांगने का इल्जाम लगाने वाले मनीष सिसोदिया आज बयान से पलट गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से अब उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने डेटा तो मांगा था, पर हमें रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 12 से 14 घंटे का समय ही दिया गया था। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से मिले डेटा के आधार पर माना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी। यह अकेला राज्य है जिसने ऐसी आशंका जताई। यही खबर अमर उजाला ने आंध्र प्रदेश के एंगल पर ली है कि आंध्र प्रदेश ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से उनके यहाँ मौत हुई। 66A की धारा रद्द करके सोशल मीडिया पर खुलकर पोस्ट लिखने की आज़ादी देने वाले जस्टिस रोहिंटन फाली नरिमन आज रिटायर हो गए। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े फैसले दिए, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार मानने, 3 तलाक खत्म करने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। जस्टिस नरिमन के रिटायरमेंट को लेकर आज लगभग सभी अखबारों ने स्टोरी की है। आज विश्व हाथी दिवस को लेकर हिंदुस्तान ने अहम खबर दी, जो पशुओं से व्यवहार को लेकर भारत तो चीन के तरीकों का अंतर दर्शाती हैं। चीन ने रास्ता भटके 14 हाथियों को उनके घर पहुंचाने के लिए पूरा अमला झोंक दिया। 25,000 पुलिसकर्मी, कई ड्रोन लगाकर हाथियों पर निगरानी की जा रही है ताकि वे सही सलामत अपने प्राकृतिक आवास तक पहुंचें और इंसानी बस्तियों में किसी तरह की कोई हिंसा या उनके साथ कोई झड़प ना हो। जबकि दूसरी ओर भारत में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर 6.5 किलोमीटर लंबी खाई खोद दी गई है ताकि हाथी इंसानी बस्तियों में ना जा पाए। इसका असर ये हो रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का हाथियों का प्राकृतिक आवागमन रास्ता बंद हो गया है। अब परेशान होकर हाथी झारखंड में ही इंसानी बस्तियों पर हमले कर रहे हैं और कई मौतें हो चुकी हैं। दैनिक भास्कर ने पेज एक पर अपनी पड़ताल को लीड लगाया है। हेडिंग है, होलसेल रेट से 10 गुना MRP और रोजाना लुट रहे लाखों मरीज। लिखा है कि आपदा में भी फार्मा कंपनियों ने ढूंढ लिया अवसर, ब्रांडेड के नाम पर दवा के दामों में भारी फर्क। उदाहरण के लिए डॉक्सी दवा की ब्रांड में कीमत 90 रुपए और जेनेरिक में 9 रुपए है। इस रिपोर्ट को सुनील सिंह बघेल ने किया है। पार्किंग में खड़ी हजारों कारों का एक बड़ा फोटो लगाकर भास्कर ने चीन के उस शहर की खबर छापी है जहां पिछले महीने बाढ़ आ गई थी। इससे 5 लाख गाड़ियां खराब हो गई हैं जो अब नीलामी के लिए कतार में लगी हैं। अहम खबरों की बात करें तो दिल्ली में दलित बच्ची से दुष्कर्म हत्या मामले में 10वें दिन जाकर बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ, जिस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से छापा है। अरविंद केजरीवाल ने 4 RTO दफ्तरों पर ताला लगाकर फेसलेस योजना की शुरुआत की है और ई लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई सुविधाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगी। इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने खास खबर के तौर पर लगाया है। इसके अलावा जंतर मंतर पर नारेबाजी मामले में आरोपी अश्विनी उपाध्याय को 50,000 के बॉन्ड पर जमानत गई है, ये खबर हिंदी के अखबारों ने संक्षिप्त में लगाई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ दरकने से यात्री बस समेत कई वाहनों के चपेट में आ जाने की खबर को ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। समीक्षा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।